अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस में बेटे सबसे पहले है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दोनों तरीकों से ही ये इस्तेमाल होते हैं, इसके दोनों नाम ही इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटे कि इसमें कोई हैबिट या कोई जनरल ट्रुथ होता है। सही है, क्लास में भी हमने इस पे बात की हुई है। हैबिट, रूटीन वर्क, कोई हैबिट हो, कोई रूटीन वर्क हो, या जनरल ट्रुथ्स हो, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं या अनडिनाइबल फैक्ट्स होते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं हमेशा। तो इसके सिग्नल वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें देखते ही पता चले के ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, वो कौन कौन से? वो हैं यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम। ये सारे वर्ड्स ये इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसके, हमारे पास एग्जांपल तो देखे, द सन राइज इन द ईस्ट। तो अब ये सन की एक तो हैबिट भी है कि हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है, और सेकेंडली ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, अनडिनाइबल फैक्ट भी है ये। आगे देखते हैं पास्ट। पास्ट में बेटे एक्शन दैट टुक प्लेस वंस अपॉन अ टाइम, वो जो जैसे आप स्टोरी में वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, तो अब उसमें क्या होता था कि आप वंस अपॉन अ टाइम कहते थे। यही सेम है कि किसी वक्त में जब एक्शन हुआ हो इन द पास्ट, अब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है और किसी एक वक्त में कहीं माजी में हो चुका है, तो उसके लिए हम कौन से पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल वर्ड्स हैं इसके, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, यस्टरडे आ जाए, कोई विश आ जाए, या इन लगा हो और पास्ट ईयर हो। फॉर एग्जांपल, द मुस्लिम्स कंकर्ड मक्का, ये वाक्या माजी में एक दफा रोनुमा हो चुका है, ठीक हो गया। तो इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो एक्शन अभी होने जा रहा है, अभी होने वाला है, अभी आने वाले फ्यूचर में होगा, ठीक हो गया। तो सिग्नल वर्ड्स इसके भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग है, नेक्स्ट है, टुमारो है, होप है, इन लगा हो और फ्यूचर ईयर हो, ठीक है ना। वी विल मीट इन 2022, देखो इन 2022, अब 2022 फ्यूचर ईयर है तो हमने विल मीट लिखा। अब उसके साथ अगर हम लगा देते हैं We met in 2010. तो अब past year है, तो देखो क्या मैंने met second form लगा दी, past indefinite बना दी। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। हाँ जी, तो इसका बेटे present indefinite का बनाने का तरीका तीनों मुख्तलिफ तरीकों से, यानी कौन कौन सा हमारे पास सेंटेंस की टाइप है, तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है बेटे, उसमें आई, वी, दे, यू और पैरेलल सब्जेक्ट, इनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगनी प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आई, वी, दे, यू, सॉरी अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस का इजाफा करना है। और ये एस सी आई एस का इजाफा किन किन वर्ड्स के साथ करना है बेटे, तो ये मैंने एंड पर लिख दिए हुए हैं कि वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे वर्ड्स जिनके एंड पर ये तीन वर्ड आ रहे हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो या सी एच आ रहा हो, तो उनके बाद हमने ई एस लगाना होता है या ओ आ रहा हो बेटे, ओ भी इन्हीं में ही है, ओ आ रहा हो, तो ये चार होते हैं। चारों में से अगर कोई आ रहा हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, यस। अगर ये चारों में से कौन कौन से, डबल एस, एस एच, सी एच और ओ, इनमें से कोई और ना, कोई ना आ रहा हो तो फिर हम एस सी लगाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो ही आए रीड न्यूज़पेपर डेली था, और जबकि ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आए, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर नेगेटिव जुमला होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ नोट लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म।
जबकि इंटरोगेटिव अगर होगा तो फिर उसमें नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट है या इट है या शी है या ही है उसके साथ हम डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता बेटे, सवालिया जुमला जिसको हम बोलते हैं। सवालिया जुमले में हम क्या करेंगे, आई वी दे यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक हो गया। और ही शी और इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा, ठीक हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, डज ही रीड न्यूज पेपर, अब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया तो और एंड पर क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव में सेकंड फॉर्म लगती है बेटे, सिंपल टेंस है, सही है। नेगेटिव होगा तो डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, इसी तरह इंटरोगेटिव में भी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक हो गया। सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट वाइज करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आमतौर पर, जबकि विल जो है वो ही शी इट दे यू हू से साथ लगता है और शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। नेगेटिव में विल नॉट, शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और इंटरोगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में विल, ये नॉट नहीं आना बेटे यहाँ पर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, विल पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आता है और एंड पर क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो पहले तो इसके कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की तरफ अगर बढ़ता हूं तो मैं बेटे इसका एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं अगर कोई काम उस वक्त जारी है तो वो प्रेजेंट में होगा, लेकिन अगर वो पास्ट में हो चुका हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर वो फ्यूचर में जारी रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, देखो एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन गोइंग ऑन, पास्ट में भी एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। अब देखो तीनों में कंटिन्यूटी होना जरूरी है, कंटिन्यूटी होना जरूरी है। तो देखें अब इसके सिग्नल वर्ड्स को देखें बेटे, के नाउ, प्रेजेंटली, दीज डेज, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के क्या हैं आपके पास, सिग्नल वर्ड्स हैं, सही। अगर इनमें से कोई भी लफ्ज आ रहा हो तो ये हमें डायरेक्ट लीड करेगा इस बात की तरफ कि ये जुमला मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, जबकि अगर वाइल या वेन आ रहा हो, ये किस तरीके से आता है बेटे, मैंने दोनों की एग्जांपल लिख दी हैं। वाइल आई वाज कुकिंग, पीटर वाज रीडिंग अ बुक, देखो वाइल के फौरन बाद भी आईएनजी फॉर्म और दूसरी क्लॉज में भी आईएनजी फॉर्म, इसी तरह से वेन से पहले, वेन से पहले कैसे, आई वॉज कुकिंग वेन द टेलीफोन रैंग, अब वेन के बाद तो पास्ट टेंस है लेकिन पहले क्या है, वॉज कुकिंग, सही है। तो इस तरीके से वेन और वाइल जो है वो हमें पास्ट कंटिन्यूस की तरफ लीड करता है। फिर उसके बाद बेटे फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें एक्शंस जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे, ये होता है। तो सिग्नल वर्ड्स की तरफ जाते हैं, सिग्नल वर्ड्स इसका है कि वेन लगा हो प्लस फ्यूचर टाइम हो, वेन लगा हो लेकिन फ्यूचर का टाइम, ऊपर जो वेन लगा हुआ था उसमें पास्ट की बात की थी, टेलीफोन रैंग, तो इसीलिए वाज कुकिंग आया था। यहाँ पर क्या होगा, वेन लगा होगा लेकिन टाइम फ्यूचर का होगा, ठीक है। एट या इन लगा हो और फ्यूचर टाइम हो, दिस लगा हो और फ्यूचर टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल में एट के साथ देखो 7 AM टुमोरो, अब टुमोरो आ गया, फ्यूचर टाइम आ गया, इसका मतलब तो विल बी रेनिंग। यही से स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं इसके, तो बेटा स्ट्रक्चर में देखिए असर्टिव सेंटेंस में इज एम आर लगता है प्रेजेंट में, ठीक है, और आई एन जी फॉर्म लगनी है, इसमें जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं आई एन जी फॉर्म ही लगती है, ठीक हो गया। इसी तरह नेगेटिव में भी यही मामला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी यही है,
सिर्फ नेगेटिव में ये है कि एग्जाम आर के बाद नॉट लग जाना। फिर असर्टिव कंटिन्यूस पास्ट की अगर बात करें तो वाज वार प्लस आई एन जी फॉर्म, और नेगेटिव में वाज वार प्लस नॉट हो जाएगा, और इंटरोगेटिव में वाज वार प्लस आई एन जी फॉर्म मिलेगा। फिर आ जाती है फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर में देखिए सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें विल बी और शैल बी प्लस आई एन जी फॉर्म, जबकि नेगेटिव में विल शैल प्लस नॉट और फिर बी प्लस आई एन जी फॉर्म। ठीक हो गया बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर नॉट बी से पहले आना है, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे ये। और इंटरोगेटिव में भी वही विल बी शैल बी और आई एन जी फॉर्म रहेगी। सही है, ये लिख लिया साथ मैंने कि इज एम आर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वाज वर कहाँ पर और विल और शैल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, अब देखो इस पहले था एक्शन गोइंग ऑन, अब कंप्लीटेड। देखो तीनों में एक वर्ड कॉमन है कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट टाइम प्रेजेंट हो गया, पास प्रेजेंट टेंस हो गया। जैसे अभी अभी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है तो ये काम अभी अभी हुआ है। ठीक हो गया, इमीडिएट पास्ट। फिर दूसरा एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट इन पास्ट, देखो ये पास्ट हो गया। ये क्या है मैं इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। और फ्यूचर में देखो विल बी कंप्लीटेड इन सर्टेन, ये इमेजिनरी हो यानी होगा। अब इसमें हम सिग्नल वर्ड्स देखते हैं, तो प्रेजेंट का सिग्नल वर्ड्स हो गए जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, नेवर, ये होते हैं पास्ट के सिग्नल वर्ड्स, सॉरी प्रेजेंट के। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, अब दोबारा देखते हैं, ही हैज जस्ट गोन आउट, अभी अभी गया है। दूसरा है पास्ट। पास्ट में बेटे देखें तो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है ना। अब देखो ये एक पास्ट का मूवमेंट है, एक सर्टेन मूवमेंट है कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट मर चुका था। अब देखो क्या हुआ कि अराइव्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, और ये क्या डिपिक्ट कर रहा था बच्चे कि ये बताएं पास्ट टेंस है, और पास्ट का एक सर्टेन मूवमेंट है, जब डॉक्टर आया तब, ठीक है, पेशेंट क्या हुआ था, मर चुका था। समझ लगी बात की, तो एक सर्टेन मूवमेंट इन पास्ट। हाँ, और इसके सिग्नल वर्ड्स ऑलरेडी, जस्ट, नॉट येट, वंस, अंटिल, दैट डे, इनमें अंटिल दैट डे छोड़ के बाकी सारे तकरीबन जो हैं वो मिलते हैं किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। तो क्यों मिलते हैं बेटे ये, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ सर्टेन मूवमेंट इन पास्ट और इमीडिएट पास्ट का फर्क होता है। ये वो सेंस है जो अगर आप डेवलप करेंगे तभी आपको इनमें डिफरेंशिएट करना पॉसिबल हो। फिर फ्यूचर टेंस को देखते हैं हम। फ्यूचर टेंस का सिग्नल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय लगा होगा और फ्यूचर टाइम होगा, बाय टुमारो, बाय 2021, बाय अपकमिंग डे, इस तरह बाय लगा होगा और फ्यूचर टाइम लगा होगा, आई शैल हैव रिटन माय बुक बाय टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं बेटे परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। बेटे परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में असर्टिव सेंटेंस में हैज और हैव लगता है प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, इसी तरह नेगेटिव होगा तो हैज और हैव लगेगा प्लस नॉट लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वही हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर मैं देखता हूं तो हैड ही है उसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव होगा तो हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इंटरोगेटिव में हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी। असर्टिव सेंटेंस अगर हो फ्यूचर में तो विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और नेगेटिव होगा तो विल शैल प्लस नॉट और हैव बाद में आएगा, जैसे बी बाद में आया था ना वहां पर, इस तरह यहाँ पर हैव बाद में प्लस थर्ड फॉर्म, और विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बेटे आती है बात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर क्या है, कंप्लीट है कुछ हिस्सा और अब जारी भी है, ठीक है ना, एक्शन पार्टली कंप्लीटेड एंड स्टिल कंटिन्यू। समझ लगी बात की, इसी तरीके पास्ट में अगर एक्शन दैट बिकेन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, और लास्ट वाला क्या है कि एक्शंस फ्यूचर में, एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। तो बताने का मकसद ये कि ऐसा टाइम जो
अब प्रेजेंट की बात करते हैं बेटे, तो इनके सिग्नल वर्ड नहीं होते, इनका फार्मूला होता है। इनका फार्मूला अगर समझ जाएंगे आप, इजी से हो जाएगा आपके लिए। फार्मूला क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में चल रहा हो और फ्यूचर में भी जाना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट एन आवर। अब इसमें देखो क्या है बेटे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पास्ट से, प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा हूँ और 1 घंटा आगे पढ़ाता रहूंगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से अगर एक्शन पास्ट में हो, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में और एंड भी पास्ट में हो चुका होगा, बस जारी रहा होगा, यानी उसमें टाइम स्पैन में वो चीज जारी रही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने तक उसका काम जारी रहा लेकिन कंप्लीट हो चुका हुआ है, पास्ट के एक सर्टन मोमेंट में वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये इमेजिनरी टेंस होता है बेटे। ये किस तरीके से है कि फ्यूचर में एक चीज प्रेजेंट से स्टार्ट होगी और वो फ्यूचर में कहीं जाकर एंड होगी। जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। अब आने वाले जुलाई में मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि स्टार्ट कब हुआ हुआ है ये काम? अभी से, जब वो बात कर रहा है प्रेजेंट से, और जा कहाँ रहा है? फ्यूचर में। और ये बात फ्यूचर के परस्पेक्टिव से की जा रही है बेटे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फर्क ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अब के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। सही है जी? तो ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है टेंसेज का। अब आगे इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म, और हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन आई एन जी फॉर्म नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में हैज और हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म। इस तरह असर्टिव सेंटेंस जो है वो हैड बीन प्लस आई एन जी फॉर्म, और आपके पास नेगेटिव होगा तो हैड प्लस नॉट हो जाएगा फिर बीन प्लस आई एन जी फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड बीन प्लस आई एन जी फॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में बेटे हमारे पास फ्यूचर असर्टिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो विल हैव और शैल हैव, और उसके साथ हमारे पास आई एन जी फॉर्म, बीन प्लस आई एन जी फॉर्म। और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो नेगेटिव होगा तो विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस आई एन जी फॉर्म हो जाएगा बेटे। और अगर फ्यूचर इंटरोगेटिव होगा तो विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस आई एन जी फॉर्म। तो यही इस तरीके से आपका ये पूरा टेंसेज का टॉपिक कवर हो गया है। आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं बेटे, और मुझे बताएं आप मुझसे क्वेश्चन अगर हो, आपको कोई समझ ना आई हो पॉइंट, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए टेंसेज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया है। कोई किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप बेटे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।